नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया मैक्स। और मैं हूं साकरिया संजय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोबाइल का एक ऐसा फोन कि जब मोबाइल में बैटरी लगाते ही मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, ऑटो रिस्टार्ट होता है। तो ऐसे फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको चेक किया जाता है, तो चलिए समझते हैं उसके रिपेयरिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक सैमसंग कंपनी का फ़ोन है। आप देख सकते हो, ये उसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो 7262। देखो इसमें फॉल्ट है। कस्टमर बोल रहे हैं कि जब हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के तुरंत ही ये मोबाइल ऑन हो जाता है और ऐसे रिस्टार्ट हो जाता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही बैटरी लगाने से ऐसे तुरंत ये मोबाइल में गैलेक्सी स्टार प्रो ऐसे आके पूरा रिस्टार्ट बार बार ऐसे ही हो रहा है। देखो आप देख सकते हो, तो ये मोबाइल में ये जो फॉल्ट है, मेरे हिसाब से ये फॉल्ट पावर स्विच का रहता है। और कभी भी आपके पास ऐसे कोई मोबाइल आए जैसे ऐसे रिस्टार्ट होए, तो ये फॉल्ट ऐसे रिस्टार्ट का फॉल्ट सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि बैटरी लगाने से तुरंत अगर रिस्टार्ट होता है, देखो ये मैंने उसमें बैटरी लगा दी और ये तुरंत अपने आप ही ऐसे ऑन होके पूरा ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है, तो ये फॉल्ट ज़्यादातर पावर स्विच शॉर्ट हो जाने से होता है। लेकिन कभी भी आपके पास कोई ऐसे फॉल्ट आए कि जिसमें आपको ये बैटरी लगाने के बाद मोबाइल ऑन नहीं होता, उसके बाद पावर स्विच प्रेस करने से मोबाइल ऑन होता है और रिस्टार्ट होता है, तो वो सॉफ्टवेयर फॉल्ट समझना है। तो अभी फ़िलहाल इसमें तो ये हार्डवेयर का ही फॉल्ट है। देखो अभी मैंने बैटरी लगाने के बाद ऐसे ही तुरंत ऑन ऑफ ऐसे हो रहा है, मतलब रिस्टार्ट हो रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्ट कैसे चेक किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो ये मोबाइल को हम डिसेबलिंग करके देख लेते हैं। ये मैंने उसका बैटरी जो है वो निकाल दिया, ये मैं इसे साइड में रख देता हूँ। उसके बाद ये जो सारे स्क्रू है उसका सही स्क्रू ड्राइवर लेके हम इसको निकाल देंगे। देखो देखो ये मैंने अभी उसका बैक जो सर्किट का भाग है वो निकाल दिया है। अभी ये हमारा LCD वाला भाग है, ये भी निकाल दिया है। मैंने जो आपको बताया था ये सर्किट में जो रिस्टार्ट होता है ये बैटरी लगाने के बाद, तो ये फॉल्ट हमारा हो सकता है पावर स्विच शॉर्टिंग का। तो ये हमारा पावर स्विच है, आप देख सकते हो ये स्विच अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये मोबाइल में ये इस टाइप का फॉल्ट होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये स्विच को कि ये उसका रीडिंग देख के कि ये स्विच वो शॉर्ट है कि नहीं। अगर ये जो स्विच है उसके पीछे वाले जो आप कॉन्टेक्ट देख रहे हो, देखो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताना चाहूँगा, ये स्विच अभी देख रहे हो उसके पीछे वाले जो कॉन्टेक्ट रहे थे ये दो, ये कॉन्टेक्ट पे जो रजिस्टेंस आना चाहिए उसमें से एक ग्राउंड के साथ बीप आना चाहिए, दूसरे पे कुछ रजिस्टेंस आना चाहिए, तो ये स्विच का जो लाइन है वो शॉर्ट नहीं है। अगर दोनों पे बीप आ रहा है तो मतलब कि ये शॉर्ट है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा ये रजिस्टेंस क्या दिखाई देता है मीटर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में बीप बजर का रेंज सेट करना है। देखो ये मैंने अभी सेट किया बजर का रेंज। उसके बाद मीटर का रेड प्रोड है वो हम कहीं ग्राउंड कर देते हैं। देखो मैंने ये ग्राउंड कर दिया है इस तरह से, मीटर का कोई एक प्रोड मतलब रेड ही इसमें ग्राउंड करना है। रेड ग्राउंड करके स्विच के दोनों सिरे पे मैं मीटर का दूसरा पॉइंट ऐसे रख देता हूँ। देखो आप देख सकते हो ऐसे पहले इधर रखा तो ये बीप आ रहा है, देखो मतलब कि ग्राउंड है इसलिए इसका बीप आ रहा है। दूसरा इधर में रखता हूँ, इधर भी बीप आ रहा है, इधर बीप नहीं आना चाहिए, ये बीप आ रहा है मतलब कि अभी ये जो पावर स्विच वाला जो लाइन है उसमें शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग बता रहा है, तो उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि ये स्विच ही शॉर्ट है। अगर ये लाइन में कहीं पैरेलल पार्ट्स जो ग्राउंड होते हैं वो कहीं शॉर्ट है, या तो हमारा पूरा जो जहाँ से IC में से आता है पावर IC में से ये लाइन, तो ये IC भी शॉर्ट हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना ये फॉल्ट में डाउट करते हैं हमारे पावर स्विच पे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फॉल्ट ज़्यादातर हमारा पावर स्विच का ही रहता है। तो ये स्विच को हम सर्किट में से एक बार डिसेबलिंग करके उसको उठा के देख लेते हैं, उसको निकाल के देख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस किस टाइप से मिल रहा है। तो आइए हम मैं आपको बताता हूँ ये पावर स्विच को जो है सर्किट में से निकाल के। देखो सबसे पहले ये स्विच को निकालने के लिए हम उस पर थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं। देखो मैं अभी
इसमें पेस्ट लगा रहा हूँ, देखो। आप देख रहे हो, देखो मैंने ये स्विच का सिर्फ और सिर्फ उसका जो सपोर्ट है दोनों साइड वो मैंने अभी लगाया। देखो ये अब स्विच प्रेस करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब निकलेगा नहीं। लेकिन ये जो मैंने उसका कॉन्टेक्ट है उसको अभी सोल्डर नहीं किया है, उसको आपको ये पीछे वाला दो कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको सोल्डर करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको ये सोल्डर करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सोल्डरिंग आयरन पे थोड़ा ऐसे जो सोल्डर लेके आपको ऐसे इधर टच कर देना है, देखो इस तरह से, तो ये हो जाता है। देखो मैंने ये जो सोल्डर है और पीछे जो कॉन्टेक्ट ये स्विच पे, ये मैंने अभी कर दिया है। अब हम ये सर्किट को लगा के देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो डायरेक्ट बैटरी लगाने से जो रिस्टार्ट होता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका कि नहीं। उसके लिए ये इसका डिस्प्ले का भाग है, इधर ही हम डायरेक्ट इसे रख के ये डिस्प्ले लगा देते हैं। देखो LCD कनेक्टर लगाने के बाद हम ये जो मोबाइल का बैटरी है ये LCD कनेक्टर लगाने के बाद ये हमारा जो मोबाइल का बैटरी है उसको कनेक्ट करते हैं। देखो ये मैंने अभी उसका कनेक्शन कर दिया। देखो ये मोबाइल पहले बैटरी लगाने से जो स्टार्ट हो जाता था अभी नहीं हो रहा है, और हम ये पावर स्विच को प्रेस करते हैं। देखो देखो प्रेस किया है, मोबाइल अभी हमारा ऑन हो गया है। पहले ये मोबाइल में बैटरी लगाने से मोबाइल पूरा रिस्टार्ट होता था, अब आप देखोगे तो ये अभी मोबाइल कंप्लीट ऑन हो गया है, अभी रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो
ये स्टार्ट हो गया कंप्लीट, पहले ये मेनू आता ही नहीं था। तो ऐसे कभी भी कोई मोबाइल में अगर आपके पास बैटरी लगाने से डायरेक्ट रिस्टार्ट हो जाता है, तो ये मोबाइल में पावर स्विच का ही फॉल्ट रहता है। ये स्विच को आप ऐसे ही निकाल के बदल के रिप्लेस करके ये फॉल्ट सॉल्व कर सकते हो। एक बार मोबाइल देखो, ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है कंप्लीट, देख सकते हो देखा इसे। दोस्तों, मेरे पापा ने इतना अच्छा वीडियो बनाया, इसीलिए एक लाइक तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।